तो सेवेंथ क्लास आपका चौथा प्रश्न है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इस प्रश्न का जो उत्तर आप लिखेंगे उसमें पहला पॉइंट आपको ये मेंशन करना है कि खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो लिखिए आप, ध्यान रहे जब भी आप क्वेश्चन लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर दीजिए। सेकेंड पॉइंट आपको इसमें मेंशन करना है कि खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया होती कहाँ है। तो आप लिखेंगे कि पौधों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जब आप इस प्रश्न में लिखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न 5 नंबर का भी आ जाता है, आपको लिखनी है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। ये लिखने के बाद इस इक्वेशन को लेबल करिए। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई है। अब 2 लाइनों में आपको यह जो इक्वेशन है इसको एक्सप्लेन भी करना है। आप ये बताएंगे कि पत्ती में जो उपस्थित क्लोरोफिल है, जो हरा वर्णक होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वातावरण में से संग्रहित करता है, और जड़ें क्या करती हैं, जो पौधे का ही भाग है, वो मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित करती हैं। अब आप इसमें इंपॉर्टेंस बताएंगे सूर्य के प्रकाश की भी, कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही जो पत्तियां हैं वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से और इन कच्ची सामग्री से कार्बोहाइड्रेट या मंड जो है वो संश्लेषित कर लेती हैं। और इस तरीके से खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो हरे पौधों में होती है। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपका, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बोल के या समझा के नहीं, एक्टिविटी करके दिखाऊंगी। तो आइए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी संपन्न करने के लिए मैंने 2 डिफरेंट टाइप की लीव्स ली हैं, एक मनी प्लांट की और एक तुलसी के पौधे की, और इन्हें कुछ मिनटों के लिए मैं उबालूंगी इन्हें पानी के अंदर। तो अब जितनी देर ये उबल रही हैं, इतने मैं अपना स्टेप 2 अल्कोहल ये तैयार कर लेती हूँ। ये अल्कोहल है और मैंने इसे कांच के एक बर्तन में डाल लिया है। अब मैं इन लीव्स को जो कि उबल रही थी उनको निकालूंगी और इस अल्कोहल में डालूंगी। अल्कोहल का हम एज इट इज गर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्वलनशील होता है और ये बहुत जल्दी आग को पकड़ लेता है। तो अल्कोहल को मैं इसी बर्तन में इस उबलते पानी में डालूंगी और इसे थोड़ी देर इसमें और उबालूंगी, ताकि ये जो लीव्स हैं ये अपना ग्रीन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल खो दे और अल्कोहल आप देखेंगे कि ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है, जो अल्कोहल है वो धीरे धीरे ग्रीन कलर का हो गया है, क्योंकि जो लीव्स हैं वो अपना ग्रीन पिगमेंट अल्कोहल में छोड़ रही हैं। अभी हम इसे थोड़ी देर और उबालेंगे अल्कोहल में। कुछ मिनटों तक उबालने के पश्चात अब मैं इस अल्कोहल भरे कंटेनर को रखूंगी और देख लीव्स जो हैं वो इसमें से निकालूंगी। और इनको एक बार उसी पानी में दोबारा वॉश कर लूंगी।
देखिए ये लीफ ऑलमोस्ट कलरलेस हो गई है। अब ये लीव्स आपको दिख रही होंगी कलरलेस हो गई हैं। आयोडीन सॉल्यूशन अब मैं इनके ऊपर डालूंगी और इनको थोड़ी देर उसमें रहने दूंगी। इन लीफ में जो कलर चेंज होगा वही हमें मंड या स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाएगा। आप देखेंगे धीरे धीरे कि ये वाली जो लीफ है इसमें आपको कलर जो है वो जो आयोडीन मैंने डाला था उसका ब्लू ब्लैक कलर इसकी आउटलाइनिंग पे आपको दिख रहा है। और सिमिलरली इसमें भी आप देखेंगे इस लीफ में कि यह जो है अपना कलर जो है वो धीरे धीरे चेंज कर रही है। 2-3 मिनट और रखेंगे हम इसमें सोक डिस्क को और उसके बाद देखेंगे कि कलर चेंज किस तरीके से हो रहा है। अब देखिए क्या आपको इस लीफ में कलर चेंज क्लियरली दिख रहा है। इस लाइट में आपको कलर चेंज ऑब्जर्व हो रहा होगा कि ये ब्लू ब्लैक कलर का हो गया है। और पैचेस देखिए जहां खाद्य संश्लेषित हुआ है इस पौधे इस पत्ती में वहां आपको कलर चेंज बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए ये क्लियर डिमार्केशन है जो तुलसी का पौधा था इसके अंदर आप देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, वो बिल्कुल गहरे नीले रंग की हो गई है। और मनी प्लांट का जो पौधा है जिसको हमने इसी आयोडीन का परीक्षण से गुजारा था इसमें भी हल्के हल्के पैचेस हमें आउटलाइनिंग पे दिख रहे हैं। तो ये क्लियर टेस्ट है ये बताने के लिए आयोडीन टेस्ट की फोटोसिंथेसिस से जो भी खाद्य संश्लेषित होता है पौधे में वो मंड की उपस्थिति यहां दर्शा रहा है। तो 7th क्लास ये एक्टिविटी करके हमने जाना कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने अंदर मंड स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करते हैं और आयोडीन टेस्ट के द्वारा हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।